नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल गुरु में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एमएक्स प्ले में डाउनलोड किए हुए वीडियो को कैसे डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप एमएक्स प्ले में डाउनलोड किए हुए वीडियो को कैसे डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी एमएक्स प्ले में डाउनलोड किए हुए वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्टेप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको एमएक्स प्ले एप्लीकेशन को ओपन कर लेनी है। जैसे दोस्तों आप एमएक्स प्ले एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर एमएक्स डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा कि आपके जो भी आपने वीडियो डाउनलोड किए होंगे वो यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। तो आप जिस किसी वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, जो भी आप एमएक्स प्ले में आपने वीडियो डाउनलोड किए होंगे आपने वो यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार आप भी एमएक्स प्ले में डाउनलोड किए हुए वीडियो को डिलीट कर सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज के वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसलिए दोस्तों, मिलते किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।